अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंटेलेक्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये बिजनेस लेटर बनाया जा सकता है बाय यूजिंग पावर पॉइंट। एक्चुअली क्या होता है कि हमें बिजनेस लेटर, बिजनेस कार्ड या कुछ भी बनाने के लिए फोटोशॉप की जरूरत पड़ती है, लेकिन फोटोशॉप बहुत ही मुश्किल होता है चलाना और उसको डाउनलोड करना तो और भी बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद इंस्टॉलिंग प्रोसेस में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और क्लाउड वगैरह वगैरह। तो काफी लोग परेशान होते हैं कि हमें बिजनेस लेटर चाहिए, बिजनेस कार्ड बनाना है, फ्लायर बनाना है, बैनर बनाना है वगैरह वगैरह, ये सारे फोटोशॉप के बगैर नहीं हो सकते। हाँ, ये कुछ चीजें हैं कि कुछ चीजें फोटोशॉप के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स की क्वालिटी भी मैटर करती है। तो बाकी सिंपली फ्लायर्स वगैरह और बैनर्स वगैरह आप पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं। जैसे कि देखें, मैंने ये बिजनेस लेटर बनाया हुआ है, पावर पॉइंट में ही बनाया हुआ है। मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आप चलते हैं सीखने। तो ये मैंने न्यू एड स्लाइड की इंसर्ट में जाकर, फिलहाल तो मुझे इन सब टेक्स्ट एरियाज की जरूरत नहीं है तो मैं इनको डिलीट कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने साइज कैसे बनाया, तो आप डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पर स्लाइड साइज है। स्लाइड साइज में आप देख सकते हैं कि ये कस्टम साइज में हम आ गए। यहाँ पर मैंने A4 पेपर साइज सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि बिजनेस लेटर हमेशा A4 पेपर साइज पे ही बनाया जाता है। ये कुछ स्टैंडर्ड साइज होती हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मैंने दोनों को स्लाइड और नोट्स एंड आउटलाइन सबको पोर्ट्रेट रखा हुआ है, क्योंकि इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से ही होती है स्टैंडर्ड। अगर आप बैनर बना रहे हैं और आपको लैंडस्केप चाहिए, फ्लायर बना रहे हैं आपको लैंडस्केप चाहिए, तो आप उस हिसाब से उसकी साइज सिलेक्ट करके आप उसको बना सकते हैं। ये तो हो गया पेज की साइज कि आपको किस पेज की साइज चाहिए, और उसके बाद हम जाते हैं फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड के ऊपर। फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड के ऊपर ये कुछ चीजें होती हैं, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, हाइट, ग्राफिक्स बैकग्राउंड। इसमें हम मैंने जो सिलेक्ट किया था वो ग्रेडियंट फिल किया था, लेकिन आप कोई सा भी ऑप्शन इस पे जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पैटर्न फिल में ये सब चीजें आ जाती हैं, आप कोई सा भी पैटर्न ले सकते हैं और उसके ऊपर भी बना सकते हैं। मैंने ग्रेडियंट फिल लिया था, तो चलिए ये बिल्कुल ईजी है। आपको ग्रेडियंट फिल पे जाकर आपको जो है अपना कोई ये होती है ग्रेडियंट स्टॉप्स, तो ये जितनी चाहे आप दे सकते हैं ग्रेडियंट स्टॉप्स। मिनिमम टू होती हैं, एटलीस्ट टू होनी ही चाहिए, और टू से कम ये नहीं होंगी ग्रेडियंट स्टॉप, और आप चाहें तो 8 भी कर सकते हैं। पिंक के ऊपर तो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन हम अभी किसी और कलर पे बनाते हैं। पहले तो हम ये ग्रेडियंट स्टॉप पे क्लिक करके हम कोई सा भी कलर सिलेक्ट करेंगे। मैं इस दफा पर्पल कलर ले रही हूँ, और इसके ऊपर मैं इसके कॉम्बिनेशन में ब्लू कलर ले रही हूँ, और इसके साथ में ग्रे कलर भी लूंगी, ग्रेडियंट ऐड करूंगी थर्ड नंबर, और थर्ड ग्रेडियंट का कलर चूज कर रही हूँ मैं ग्रे, और एक और मैं ग्रेडियंट स्टॉप लूंगी जिसका कलर लूंगी मैं अगेन थोड़ा सा लाइट ग्रे कर लेती हूँ मैं इस दफा, और उसके बाद इन ग्रेडियंट स्टॉप्स को एडजस्ट करना है। जैसे आप इसको एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। अब अच्छा, एक और मैं ग्रेडियंट स्टॉप लूंगी जो इन सबको बैलेंस करे। ये एक और मैंने ग्रेडियंट स्टॉप लिया, और इसको मैं कलर दे रही हूँ ये वाला, राइट। ये हमारा ऊपर का बन गया,
को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो बस इसी तरह से इसको एडजस्ट करना है। कलर्स आपने सेलेक्ट करने हैं, ग्रेडियंट स्टॉप्स आप चाहे जितने चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं और उनका कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको आई थिंक मुझे इसका जो है ना लाइट लाइट ब्लू कर देते हैं इसको, तो फिर ये ठीक रहेगा। और इसको यहाँ पर कर देती हूँ मैं, इसको यहाँ पर करूँगी, ये मुझे अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आई विल गो विद दिस। तो मुझे ये एक अच्छा लग रहा है इसको बनाना। तो इस तरह से आप जिस तरह से चाहें इसको कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना था कि ये कैसे होता है। और इसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में, जाएंगे टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी ब्रांड है, आप जो भी इसको टाइटल करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे, फिर आप राइटिंग सिलेक्ट करेंगे, उस फॉन्ट सिलेक्ट करके फिर आपको फॉन्ट साइज बतानी है। आपने फॉन्ट साइज बता दी तो यहाँ से फॉन्ट के कलर चेंज हो सकता है, यहाँ पर उसकी बोल्ड और इटैलिक ये भी हो सकता है। उसके बाद मैंने इसको अंडरलाइन दे दी, फिर इसको ये बीच में कर दिया। इस तरह से ये देखें हमारा बन गया। उसके बाद अब देखें कि अगर मुझे एड्रेस वगैरह ऐड करनी है या कुछ और ऐड करना है, तो मैं फिर टेक्स्ट बॉक्स में जाऊंगी, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को लिखूंगी, नंबर वगैरह ऐड करूंगी, जो चाहे हम कर सकते हैं। उसके अलावा जी, मैंने यहाँ पर ये पिक्चर ऐड की है, ये एक लोगो है जो मैंने बनाया था फोटोशॉप के ऊपर बनाया था, और ये बना हुआ है और ये मेरे फाइल्स में पड़ा हुआ था। उनको मैंने ड्रैग करके यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया है। तो आप कोई भी पिक्चर, कोई भी लोगो अपने ब्रांड का या किसी भी चीज़ का अगर आप ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको इंसर्ट करके इंसर्ट में जाकर पिक्चर्स को क्लिक करना पड़ेगा और फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं, और आप ड्रैग करके भी ऐड कर सकते हैं। फॉर सपोज आपका कोई फाइल खुला हुआ है और वहां पर कोई भी पिक्चर है, तो वो आप यहाँ पर ड्रैग करके डायरेक्टली भी ला सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आप लाजमी नहीं है कि आपके पास फोटोशॉप हो तब भी आप बैनर्स वगैरह बना सकें, आप पावर पॉइंट के ऊपर भी बना सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।